वो कहाँ गई? तेरी बहन गई गई। आप बहुत सुंदर हो। आप हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सुनो, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? दूर हो जा तू मेरी नजरों से, बांझ कहीं की। देखो, आप मेरा प्यार हो। आप मुझे कुछ भी कहो, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। मैं तेरे साथ जब तक रहूंगा मैं खुश नहीं रह सकता, बंजर। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए किसी भी हद तक गुजर सकती हूँ। क्या तू ये चाहती है? मेरे बच्चे ना हो, मेरा वंश ना चले, मेरे घर में खुशियां ना आए, यही चाहती है? कौन औरत ऐसा चाहेगी कि वो माँ ना बने, जीवन भर लोगों के ताने सुने, हमेशा दूसरों की मोहताज रहे। तो ठीक है, तू मुझसे दूर हो जा। आप मेरे भगवान हो, आपकी हर इच्छा को पूरा करना और समझना मेरा कर्तव्य है। आज तक तो तू मुझे दुख के सिवा कुछ दे न सकी, और क्या देगी तू मुझे? भांज कहीं की। मैं अपने अरमानों को मार कर भी आपकी इच्छा पूरी करूंगी। बेटी, बेटा क्यों परेशान थी है? पिताजी, गुड्डू कहाँ पर है? बेटा, जब से तेरे पास से आई है ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, जब से ही कमरे में पड़ी है बेटा, हम बहुत दुखी हैं बेटा। बेटा आ, यहाँ बैठ जा। पिताजी, मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। गुड्डू को अपने साथ अपने घर ले जाकर। तू अचानक से कैसे आई? झगड़ा तो नहीं हुआ? पिताजी, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मना तो नहीं करोगे? बेटा, तू ऐसे भीख क्यों मांग रही है? मैं तो तुझे अपने प्राण भी दे दूंगा। पिताजी, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो गुड्डू को मेरी झोली में डाल दो। पिताजी, बेटी तू ये क्या बोल रही है? खुद को मौत के मुंह में ढकेल रही है। पिताजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ,
मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, मैं दोबारा आपके दहलीज पर कदम भी नहीं रखूंगी। बेटी, एक मैन में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, समझी? पिताजी, एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, पर एक साथ तो रह सकती है ना, भले ही उनमें जंग लग जाए। ठीक है बेटी, जैसी तेरी इच्छा। जा बेटा, हम तो समाज की जिल्लत में ही जी लेंगे। पिताजी, अगले जन्म में भी मुझे आप जैसे ही पापा मिले। जा बेटा, गुड्डू अंदर है, चल बेटा। बेटा गुड्डू, गेट खोलियो। गुड्डू, बेटा तू गुड्डू से बात कर, ठीक है? बहन, तू उदास क्यों है? क्या है, अब क्या लेने आई हो तुम यहाँ पर? मेरी बहन, मैं तुझे अपने साथ लेने आई हूँ। क्या पहले कम बेइज्जती की थी तुमने, जो फिर से करने आ गई? नहीं गुड्डू, मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार और तुम्हारा हक दोनों दिलाने आई हूँ। अब जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। नहीं गुड्डू, मेरा क्या है, बंजर भूमि को तो किसान और लोग पैरों से रोनते हैं, देखना भी पसंद नहीं करते, पर अगर उसमें आधी भूमि भी उपजाऊ होती है तो उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। मैं ये डायलॉग नहीं सुनना चाहती, सब अपना भला सोचते हैं, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता, तुम स्वार्थी हो, स्वार्थी। हाँ गुड्डू, तू सच बोल रही है। जिंदगी के लिए हर एक इंसान स्वार्थी हो जाता है, मैं भी स्वार्थी हो गई। तुझे चलना पड़ेगा, चल मेरे साथ, प्लीज चल। सुनो सुनो, देखो ना कौन आया है। गुड्डू, तुम यहाँ कैसे? मेरी बहन गुड्डू और मैं दोनों साथ रहेंगे। वो कैसे, मैं कुछ समझा नहीं। गुड्डू बैठ, मैं अपनी बहन गुड्डू को अपनी आधी रोटी दे रही हूँ। आधी रोटी, समझा नहीं, क्या बकवास कर रही हो? मैं गुड्डू को अपनी थाली में खाने की इजाजत देती हूँ, आज से मेरी हर एक चीज पर गुड्डू का भी अधिकार है। दीदी, ये क्या खेल चल रहा है? गुड्डू, आज से मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, तू देगी इस घर को वारिस, तू हटाएगी मेरे माथे से भांज का कलंक। मैं समझी नहीं दीदी, आप करना क्या चाहते हैं? तुम मुझसे हक मांगती थी ना, आज से मेरी तरह तू भी अपने जीजू की पत्नी है, जैसे मेरा इस घर पर हक है वैसा ही अब से तेरा भी है। तुम ये क्या कर रही हो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ और आपके कंधों पर ही शमशान जाना पसंद करूंगी।
मैं वो भारतीय नारी हूँ जो ससुराल में डोली में आती है और उसी दहलीज से शमशान जाती है। गुड्डू, क्या ये पसंद करेगी? आप मेरे और गुड्डू का प्यार हो और मुझसे ज्यादा गुड्डू का। क्यों गुड्डू? दीदी, मैं भी आप ही की तरह जीजू से प्यार करती हूँ। जैसा आप ठीक समझे वैसा ही सही है। तुम दोनों साथ में वक्त बिताओ, मैं चाय बना के आती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे पता है मैंने एक एक पल आपके बिना कैसे बिताया है। मुझे तेरे बिना एक पल भी जीना गवारा नहीं रहा। मैं रोता रहा, मैंने तो सोच लिया था अगर तू न मिली तो मैं एक दिन आत्महत्या करके मर जाऊंगा। अगर मैं भी तुम्हें वो खुशियां ना दे पाई क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे? ऐसा नहीं है। तो कैसा है फिर? तेरी बहन से न जाने मुझे क्या नफरत सी हो गई है। मुझे तुझसे प्यार हो गया, जिंदगी भर तुझे नहीं छोड़ सकता। गुड्डू, चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाएंगे। लो चाय पी लो। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। यह एहसान नहीं है मेरी जान, समय की नजाकत है। सही कहा दीदी तुमने। चलो आप दोनों सो जाओ, रात हो गई है। दीदी आप? मैं गैलरी में सो जाती हूँ और आप दोनों कमरे में सो जाना। दीदी कोई क्या कहेगा? गुड्डू तू समझ, जब किसान के खेत में फसल होगी तभी वो खुश होगा और उसके साथ में पड़ी अनजान बंजर की भी तभी इज्जत होगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता।